दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के इस वीडियो में पटना वंदे भारत से जुड़ा हुआ कुछ सच बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे वीडियोस में आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। अफवाहें बहुत सारी उड़ाई जा रही हैं और नई नई तारीखें रोज बता दी जाती हैं। हर हफ्ते पहले आपको तारीख दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि फला दिन पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है, आप तैयार हो जाओ। फिलहाल दोस्तों ये कब से चलेगी और पटना वंदे भारत का टाइमिंग क्या होगा, किराया क्या होगा, ये सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप द रेल यात्री चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों आप लोगों ने हाल ही में कुछ लोगों के वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पर लोग ये चिल्ला चिल्ला कर अपने वीडियोज़ में बता रहे थे कि 15 अगस्त से चलेगी पटना वंदे भारत। कहाँ है वो ट्रेन बताइए मुझे, 15 अगस्त तो चली गई। लोगों को ये नहीं पता हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे या फिर नई नई ट्रेनों के इनॉग्रल खेलेंगे। लेकिन लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती है कि उद्घाटन हो जाएगा। जब सारी गवर्नमेंट बिजी रहती है स्वतंत्रता दिवस में तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो ट्रेनों का उद्घाटन करें। अब ऐसे वीडियोज़ भी चल गए। जैसे ही 15 अगस्त बीता अब एक नई तारीख आ गई है जहां पर कहा जा रहा है 23-24 तारीख में चलेगी। एग्जैक्ट डेट भारतीय रेलवे की तरफ से अभी तक नहीं आई है। आपको ये चीज़ पता है लगभग 4 साथ में एक और वंदे भारत उदयपुर जयपुर वंदे भारत को भी लॉन्च किया जाएगा, उसके भी ट्रायल्स लगभग हो गए हैं और रेक पहुंच चुका है। अगर अभी देखा जाए तो टोटल 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को चलना है। अगर ये वंदे भारत चलेंगी तो सबसे पहले अपडेट्स आपको रेल यात्री पर ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं वंदे भारत वाले कॉन्सेप्ट पर वीडियोज़ नहीं बनाता था। लेकिन बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा कि बहुत गलत अफवाहें और न्यूज़ आती है, आप सही अपडेट अगर बता सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प करिए। तो अब वंदे भारत से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आप इसी चैनल पर देखेंगे। फिलहाल दोस्तों भगवा कलर की वंदे भारत लगाकर कह दिया जाता है फला जगह से चलेगी, पटना से चलेगी, यहाँ से चलेगी, वहाँ से चलेगी। अभी तक भगवा कलर वाला जो वंदे भारत है जिसे ऑरेंज वंदे भारत या सैफ्रॉन वंदे भारत कहा जा रहा है वो 19 या 20 तारीख के आसपास रेक निकलेगा। कहाँ जाएगी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, अटकलें लगा सकते हैं लोग। मुझे लग रहा है शायद रौरकेला की जो वंदे भारत आने वाली है वो हो सकती है, या फिर होगा तो अयोध्या की ओर इस वंदे भारत को चलाया जाएगा। खैर जब वो वंदे भारत आएगी उसके बारे में रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन अपडेट्स आएंगे तब आपको मैं आपको सही अपडेट दे पाऊंगा। अब बात करते हैं पटना वंदे भारत के बारे में। पटना वंदे भारत के लिए कहा जा रहा है कि ये ट्रेन 23 तारीख के आसपास चलेगी, लेकिन अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो फिलहाल डेट फाइनल नहीं है, अफवाहखोर फिर से अफवाहें फैलाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, पटना वंदे भारत का किराया क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पटना वंदे भारत का नंबर होगा 22348। पटना से हावड़ा तक इस वंदे भारत को चलाया जाएगा और जो ट्रेन हावड़ा से पटना तक आएगी वंदे भारत उसका नंबर होगा 22347। दोस्तों ये जो वंदे भारत है ये सही मायने में पटना की वंदे भारत है, क्योंकि इस वंदे भारत का जो जोन है वो ECR है, ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, वही जोन जहां से आपकी तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति जैसी प्रसिद्ध ट्रेनें चलती हैं उनके भी कोच पर आपने देखा होगा EC लिखा होता है, और इस वंदे भारत को भी ECR ही चलाएगा। फिलहाल ये है पटना की ओरिजिनल वंदे भारत और ये पटना से सुबह 8 बजे चला करेगी। जो संभावित हॉल्ट रहेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। इस ट्रेन को पटना साहिब, लखीसराय, जसडी, जामतारा, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए हावड़ा तक चलाया जाएगा और ये ट्रेन हावड़ा दोपहर में 12:45 पर पहुँचेगी और ट्रैवल टाइम 6:30 का दिया गया है इस ट्रेन का, और लगभग 530 किलोमीटर ये ट्रेन कवर करेगी। टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी जाएगी इस वंदे भारत की, लेकिन कॉन्टिन्यूस 130 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं चलेगी। जिस जिस सेक्शन पर ये ट्रेन अलाउड होगी वहाँ पर ये ट्रेन केवल 130 करेगी। आगे बात कर लेते हैं इस ट्रेन के रिटर्न, जो हावड़ा से पटना की ओर रेक आएगा उसकी टाइमिंग क्या होगी और उसका कहाँ कहाँ पर हॉल्ट होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो वंदे भारत हावड़ा से पटना की ओर आएगी उसका नंबर होगा 22347 और इस ट्रेन को हावड़ा जंक्शन से शाम को 6 बजे चलाया जाएगा और रात में लगभग 10:30 पर यह ट्रेन पहुंच जाएगी पटना जंक्शन। ये ट्रेन रास्ते में जिन जिन स्टेशनों पर रुकेगी वो दुर्गापुर, आसनसोल, जामतारा,
जसीडीह, लखीसराय, पटना साहिब हो सकते हैं। दोस्तों अब किराए की बात कर लेते हैं कि पटना से हावड़ा और हावड़ा से पटना तक चलने वाली वंदे भारत का किराया क्या रहेगा। इस वंदे भारत में दो ही क्लास रहेंगे, एसी चेयर कार जिसका किराया 1450 के आसपास रहेगा प्लस टैक्सेस, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास रहेगा उसका किराया लगभग 2650 रुपये के आसपास रहेगा, साथ में टैक्सेस आप जोड़ लीजिएगा। तो ये रहेगी आपकी पटना वंदे भारत, फाइनल डेट आने में अभी टाइम है। एक बार फिर से मैं पटना वंदे भारत का पूरा डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जब ये ट्रेन शुरू होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। पटना हावड़ा और हावड़ा पटना वंदे भारत से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। फिलहाल मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।